अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी लेके आई हूँ अंडे चने का सालन, वो भी अपने स्टाइल से। चलें इसको तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे एक देसी ले लिया और उसमें मैं हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है ना वो ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें प्याज, अदरक और लहसुन ऐड कर रही हूँ और इसको मैं इतना भूनूंगी कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपने मसाला जार जो मैं यूज करती हूँ। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने करी पत्ता नहीं ऐड किया, वो मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि इस मसाले को मैंने ग्राइंड करना है इसलिए हैंड ब्लेंडर के साथ। अब साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर, और थोड़ा सा पानी जिससे ये कि मिर्चें जले ना। और अब मैं इस मसाले को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर साथ ही चने डाल दिए थे और चने मेरे पास कैन वाले थे बॉयल हुए हुए, और मैं इस चनों को अच्छी तरह इस मसाले के साथ भून लूंगी। अब मैं इसके अंदर करी पत्ता डाल दूंगी। इसके अंदर एक मैं चिकन एक कनौर का डाल रही हूँ। साथ में इसके अंदर पानी डाल दूंगी जितना मुझे चाहिए। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं क्योंकि चने तो ऑलरेडी मेरे बॉयल हुए हैं, सिर्फ इसको थोड़ा सा ठीक करूंगी मैं। कवर कर दूंगी, आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है इसको। अब मैं चनों को साथ प्रेस करके इसको मतलब थोड़ा सा थिक थिक कर लूंगी, और साथ में अब इसके अंदर डालूंगी मैं कसूरी मेथी। ऐसे प्रेस करके ताकि जो हमारा सोर्स है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ पे मैं बॉयल अंडे ऐड कर रही हूँ। तकरीबन जो सालन वो तैयार हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अंडे डाल के मैंने इसको एक दो बॉईल दिया था और ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये है जी चने और अंडे मेरे स्टाइल से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।